राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी शनिवार को झीरम हत्याकांड की बरसी मनाई गई, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैद सहित कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी। झीरम हत्याकांड के बरसी कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने झीरम घाटी में शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं झीरम घाटी नक्सली हमले के प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है, साथ ही एसआईटी जांच में तेजी लाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि जब बिरनपुर मामले की जांच हो सकती है तो देश के सबसे बड़े नक्सली हमले की जांच क्यों नहीं। वहीं उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से जांच रिपोर्ट को सदन में पटल में रखने के लिए धन्यवाद भी दिया है। झीरम कांड का आज 11वीं बरसी है। आज के दिन 25 मई 2013 को देश की सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के टॉप लीडर और हमारे प्रदेश के सुरक्षा के जवानों की शहादत हुई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज झीरम के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस पार्टी उन परिवारों का हमेशा ऋणी रहेगा जो परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बेटा, अपना नेता, अपना घर का मुखिया खोया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ऋणी रहेगी। 11 साल हो गया, आज 11वीं बरसी पर हम सभी शहीदों को सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उस धरती के लिए अपनी जान गंवाए। दूसरी बात, हम सरकार से मांग किए, जो नवगठित सरकार है, विष्णुधर सरकार से, कि चूंकि एनआईए की जांच हुई उसमें हम लोगों का बयान नहीं लिया गया, ना कोई उस पर कार्रवाई हुई। आज जब सीबीआई जांच करने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने, एक छोटी सी घटना जो कि बिरनपुर में है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, फिर आप वहाँ कर रहे हैं। तो हम चाहते थे 32 लोग यहाँ प्राण गंवाए हैं, इनकी भी झीरम घाटी की जो घटना है सीबीआई जाँच हो और एसआईटी की जाँच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया जाँच करने का, वो कराई जाए। और तीसरा, जो हम लोगों का न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट थी जो पटल में रखना था, आज माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी ने कहा है कि हम रखेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि इस घटना के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था तो किसका था, किसका हाथ था। और हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला, बहुत दुख की बात है, हम न्याय चाहते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।